सियालकोट से खबर शामिल करते हैं, जहां पर मेंबर सूबाई असेंबली शकीला आर्थर जावेद ने कहा है कि पंजाब की वजीर आला मरियम नवाज शरीफ अकलीतों के लिए बहुत ज्यादा काम कर रही हैं। अकलीतों के हकूक की बहाली के साथ साथ डेवलपमेंट के कामों पर खसूसी तवज्जो दी जा रही है। मरियम नवाज शरीफ ने जिस लगन और जोश व जज्बे के साथ अकलीतों के हकूक की बहाली के लिए और खसूसी तौर पर तालिब इल्मों के लिए फंड मुख्तस किए हैं, वो काबिले कदर और काबिले तहसीन है। मसीहियों ने भी अपनी वालहाना मोहब्बत का इजहार करते हुए मौजूदा हुकूमत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया है और इन ख्यालात का इजहार करते हुए उन्होंने मारूफ जर्नलिस्ट जावेद गुल की रिहाइश गाह पर उनसे मुलाकात की। दौरान गुफ्तगु उन्होंने कहा कि मारूफ शायर और दानिश्वर विलियम चार्ल्स गिल, मुनव्वर लतीफ गिल, मोन फ्रांसिस से भी मुलाकात की और मुख्तलिफ मौजूदात पर तबादला ख्याल किया गया। कबल अज़ मेंबर सूबाई असम्बली शकीला आर्थर जावेद की आमद पर उनका इस्तकबाल किया गया। शहजाद खुरम, रियाज भट्टी, डॉक्टर शाहिद परवेज, आसिफ नाजर भी इनके हमराह थे। मेहमानों की आमद पर उनका इस्तकबाल किया गया। मिसेस जावेद गुल ने मेंबर सूबाई असेंबली शकीला आर्थर जावेद को फूलों की माला पहनाकर उनको वेलकम किया। इस मौका पर मसीहियों की मौजूदा सूरत हाल के मुख्तलिफ मौजूदात पर भी तबादला ख्याल किया गया। इस मौका पर फैमिली के हमराह शकीला आर्थर और आए हुए तमाम मेहमानों ने स्पेशल केक भी काटा, जबकि जावेद गुल और उनकी इस फैमिली की जानिब से मेंबर सूबाई असेंबली शकीला जावेद आर्थर को बड़े हारूफ वाली अंजील मुकदस की तहाइफ पेश किए गए, जबकि दीगर आए हुए मेहमानों डॉक्टर शाहिद परवेज, रियाज भट्टी, आसिफ नासिर, मुनव्वर लतीफ गिल और दीगर मेहमानों को भी अंजील मुकदस की तहाइफ पेश किए गए। इस मौका पर शकीला जावेद आर्थर ने जावेद गुल, विलियम चार्ल्स, मुनव्वर लतीफ गिल, मोन फ्रांसिस और पूरी फैमिली से इजहार तशक्कुर करते हुए कहा कि खुदावन हम सबको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करे और हम हमेशा बाहमी प्यार, मोहब्बत और भाईचारे की फिजा में कायम रहें।